अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में आप लोगों को कहूँगा खुशामदीद। और अभी मैं इस वक्त ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ऑफिस जाने से पहले बच्चों को घर ड्रॉप करेंगे और आज एक पॉडकास्ट भी है उसके लिए रेडी हो गए हैं। अभी बच्चों को घर ड्रॉप करने के बाद स्ट्रेट विल गो टू ऑफिस। और आज ऑफिस के बाद शाम में बहरिया भी जाना है, एक दो काम है वहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो करेंगे। और दिन में आज सारा दिन ऑफिस की भी रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी आपसे मुलाकात होती है जनाब बच्चों को छोड़ने के बाद। सुना दे जरा, सुना दे मेरी बेटी क्या सुना रही है। या रबी मुस्तफ़ा, चलो सुना दो। वेरी गुड। चलो आप भी सुना दो। नहीं मुझे अपनी आती, वो तेरे भाई था दे उछाड़े। आप भी सुना दो ना कुछ जी। आज की मोटिवेशनल टिप पे बात कर लेते हैं। आज की जो मेरी मोटिवेशनल टिप है वो है अपना काम किसी दूसरे पे डालना। ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन कल्चर है, खास तौर पे दफातर के अंदर ये चीज देखने में आती है कि जितने भी टास्क दिए जाते हैं आपके मुलाजमीन को, वो खुद काम करने की बजाय आगे किसी और को दे देते हैं। अच्छा यार ये तू काम कर ले, अच्छा ये तू कर ले। अब वो होता क्या है, तू कर ले के चक्कर में जिसकी असल जिम्मेदारी होती है वो उस जिम्मेदारी से बरियुज़्ज़मा हो जाता है और ये बोल देता है जी मैंने तो आगे इसको दे दिया था। जबकि देखें जो टास्क जिसको दिया जाता है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी बनती है ना, लेकिन वो आगे खुद चेक एंड बैलेंस रखने की बजाय वो आगे किसी और को चला देता है। यही चीज हमें अमूमन घरों में भी देखने में आती है कि घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको सारे भगा के रखते हैं, जा भाई अब दही ले आ, प्याज ले आ, अब ये वाला काम कर दे जाओ, गेट खोल दो। मतलब उसको हर तरह से पेरेंट्स की तरफ से भी, बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी उसको दबा के रखा जाता है और उससे इतना काम करवाया जाता है कि वो बेचारा एक टाइम आता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अपना काम दूसरों पे नहीं डालना चाहिए। हाँ ठीक है, सम टाइम आपको बिल्कुल करना भी पड़ता है, ये आपको अपना काम किसी दूसरे को देना पड़ता है क्योंकि आपसे वो नहीं हो पा रहा होता। तो उसका तरीकेकार ये कि उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के पास रहनी चाहिए। आप अगले को जरूर दे दें बट उसका चेक एंड बैलेंस भी एटलीस्ट खुद रखें। जब वो काम हो जाए एक दफा उसको मेक श्योर तो जरूर कर लें कि यार क्या ये काम मुकम्मल हुआ भी है या नहीं हुआ, या जिस तरह से बोला गया था वैसे हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इस चीज पे हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि जिसको जो काम दिया जाए वो खुशअसलूबी से अपना काम निभाए बजाय इसके कि वो आगे किसी और को चला दे और उसके बाद कुछ चेक एंड बैलेंस भी ना रखे। एटलीस्ट इतना हक जरूर रखें अपने पास, या आपकी जो कंपनी है उसको इतना हक जरूर है कि उसने अगर आपको ये काम दिया है तो आप उसका चेक एंड बैलेंस जरूर रखें। आई होप ये टिप आपके लिए काम करेगी, इस पे फॉलो कीजिए, अपना काम खुद करने की कोशिश करें। कब हमारी ट्रैफिक का डिसिप्लिन बेहतर होगा? अब ये देखिए जो मेरे सामने आगे लोग खड़े हुए हैं, अब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से काफ़ी आगे जाके खड़े हैं। अब ये माशाल्लाह ये प्राडो वाले को देखें, ये 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है लेकिन अल्लाह ने इसको गाड़ी तो दे दी लेकिन इससे अकल छीन ली। काश इसमें इतनी इतनी इसके अंदर जो है ना अकल हो कि भाई अगर तू 10 कदम पीछे खड़ा हो जाएगा तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन कानून तो इनकी लोंडी है ना, घर की लोंडी है कानून, तो जितना अमीर शख्स वो उतनी ही धजिए बिखेरेगा। तो देखिए किसी किस्म का कोई वो नहीं। अभी हमारी बारी नहीं आई, अभी स्टिल दूसरी साइड का सिग्नल जो है वो खुला हुआ है, लेकिन ये देखें लोगों ने पहले ही मूव करना शुरू कर दिया, अब खुला है जी सिग्नल। इस वक्त जी ऑफिस आ चुके हैं, आने के बाद एक मीटिंग हो गई है। अभी थोड़ी सी तैयारी करेंगे पॉडकास्ट के लिए क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं इनकी डोमेन बिल्कुल डिफरेंट है, गेमिंग डोमेन से हैं ये, बेसिकली गेमिंग नहीं बोलूँगा मैं, 3D डोमेन से हैं ये, आर्टवर्क से हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में मुझे तैयारी करनी होगी क्योंकि इनका जो प्रोफाइल है इट्स क्वाइट रिच। तो थोड़ा सा इससे पहले कि हम ब्लैंक हों पॉडकास्ट के अंदर, 1 घंटा 1.25 घंटा बोलना है उनके सामने बैठ के, उनसे बातचीत करनी है, तो आई शुड हैव अ सॉलिड नॉलेज। तो उसके लिए थोड़ी सी ज़रा उनके प्रोफाइल को लेफ्ट राइट से चेक करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर उनसे पॉडकास्ट में मज़ेदार से सवाल करेंगे। अभी जी हमज़ा के साथ जा रहा हूँ, हमज़ा ने लेना है नया लैपटॉप तो उसके साथ अभी जा रहे हैं लैपटॉप देखने के लिए। खैर मुझे तो इतना आइडिया नहीं है विंडोज़ का क्योंकि मैं पिछले 10 साल से तकरीबन, हाँ 10 से भी ज़्यादा ही हो गए मैं एप्पल यूज़र हूँ, तो इसलिए मुझे कख भी पता नहीं है विंडोज़ का। तो मसला ये कि हमज़ा को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन वारंटी में है तो होपफुली कोई इशू नहीं होगा। टेक्नोलॉजी जी जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करती है वहाँ पे टेक्नोलॉजी समटाइम आपको रुलाती भी है। ये देखें आज पॉडकास्ट में जा रहे थे तो रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले गेस्ट अभी आ ही रहे थे,
तो मेरी यूजली रूटीन है कि मैं एक दफ़ा जाके अपना इक्विपमेंट सारा चेक कर लेता हूँ कि हर चीज़ प्रॉपरली है या नहीं है। तो अचानक देखा कि ये जो मेरा रोड का माइक है ये काम करना छोड़ गया, इसका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर जो है वो अपडेट होने वाला था। तो मैंने इसको फर्मवेयर अपडेट पे लगाया जैसे ही, तो ओ भाई साहब उसके बाद कनेक्ट होना ही बंद कर दिया। तो गेस्ट आगे सामने बैठे हुए हैं, अब शर्मिंदगी हो रही है। हालांकि बैकअप माइक भी है, बैकअप माइक का प्रॉब्लम ये है कि वो रोड का नहीं है, वो फिफिन का है और ये रोड के हैं, तो वो साउंड का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आया। तो इवेंचुअली आधा घंटा गेस्ट को इंतज़ार करवाने के बाद उनसे माजरत करनी पड़ी, और अभी मैं इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल अभी नया इक्विपमेंट है मेरा, रिसेंटली तो लिया है अभी, तो अब इसको मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समटाइम इस तरह के सरप्राइजेस भी मिलते हैं हमें जनाब। अभी मैं छोटे भाई फरहान के साथ और वासिफ कज़न के साथ हम लोग जा रहे हैं बहरिया, एक प्रॉपर्टी देखनी है वहाँ पे इस वक्त। तो उससे पहले मेरे जो ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने एक घर बना है जनाब, 8 मरले का घर है। पिछले 1.25 साल से साल हो गया उसको बनते हुए, तो मैं आज तक कभी अंदर नहीं गया था। तो ये आज दोनों आए हुए थे, ये इत्तेफाक से अंदर गए, मैं भी चला गया इनके साथ। सर 8 मरले के अंदर जो चीज़ बंदे ने बना छोड़ी है, लेफ्ट कर दीजिए, जो चीज़ सर उन्होंने बना दी है ना अंदर, यकीन करें तबीयत खुश होगी। और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से उसका व्लॉग में उसको कवर करूं। 8 मरले में सर जाइगेंटिक किस्म का उसने जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया है और स्विमिंग पूल भी दिया उसमें। तो अभी वो फिनिशिंग पे है, जैसे ही मुकम्मल होगा इंशाल्लाह मैं उसको कवर करूंगा लाजमी व्लॉग में। ये जनाब इस वक्त हम लोग बैरियर टाउन आ चुके हैं, बैरियर टाउन लाहौर में। ये इस वक्त फुल उन्होंने दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, ये जितनी पत्तियाँ जलती हुई नज़र आ रही है ना आपको सर, ये देखें बुक नाउ करेंगे ना तो इसी में से पैसे निकलने हैं सारे। ये जितनी लाइटें जल रही हैं इसके पैसे प्लॉटों में से मलक साहब ने निकालने हैं, तो ये खूबसूरती ऐसे नहीं देते मलक साहब, पूरी करते हैं इसमें। जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरियर टाउन में और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं किन के साथ मौजूद हूँ। बड़ी एक खास हस्ती इस वक्त मेरे सामने बैठी है, द वन एंड ओनली मिस्टर सीमेंट गाय। अरुण साहब कैसे हैं? सर सबसे पहले तो आपको उम्र बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरा माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो जनाब, आप हारून हनीफ से सीमेंट गाय के नाम से मशहूर हो गए माशाल्लाह, 11 मिलियन व्यूज हुए हैं जनाब आपकी वीडियो पे। भाई ये आपकी बदौलत है, ये आपने कुछ किया है, आपने लोगों को पूरा घंटा नहीं दिखाया, आपने वो जो 1 मिनट काटा है ना उससे ज्यादा ये सर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं लग रही कि आपने ये सारी हरकत आपकी, और जलील मैं हो रहा हूँ। नहीं जलील इसमें क्या, सारा यकीन करें मुझे लोगों ने बड़ा फुहार किया है, बड़ा फुहार कहते हैं यार ये बंदे को सामने बिठाया आप क्यों नहीं उसको बोल रहे कुछ। नहीं नहीं मेरी बात सुने, अगर आपको 1.5 लाख लोगों ने लाइक का बटन दबाया है और 3,000 लोगों ने कमेंट किया तो यार क्या सर, 18,000 लोगों ने जलील किया आपको और मुझे। जी मौसम साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? देखिए जी ये सीमेंट गाय के पीछे एक सीमेंट वाले कमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निकलिटी है, वो आपको फिर किसी वीडियो में समझाएंगे। नहीं ये मैं बता देता हूँ, वो जो सीमेंट जनाब ये जो सीमेंट वाली इन्फॉर्मेशन थी ना वो निकली हारून के मुंह से लेकिन बताई मोहसिन ने है, ठीक है? तो अब प्लीज इनको भी थोड़ा जलालत में लेके आए, शामिल करें। जरूर जरूर। ये जनाब बैरियर टाउन वाले ऑफिस से बड़ा खूबसूरत व्यू है जनाब, ये देखें इस वक्त आई डोंट थिंक सो के नजर आ रहा है क्योंकि रात हो चुकी है। ये सामने जो है ग्रैंड मॉस्क है और ये मेन रोड यार, ये वैसे बड़े अफसोस की बात है भजन, आपके पास इतनी बड़ी डील करने के लिए आया, मुंह छुपा रहे और सिर्फ पिज्जा खिला रहे हैं। I was expecting रान यार, आपने बोला भी था बंदू खान की खाने को तो यार प्राइवेट रहने थे। नहीं क्या मतलब प्राइवेट, और आया की खान चाहिए दसो पहले, खाली पिज्जा है, एड्डी वड्डी डील करोड़ा की गल्ला कर रहे हो और खुआ सिर्फ पिज्जा रहे हो। हरुण साहब पेप्सी भी है जनाब, ये पेप्सी भी है यार। हरुण भाई ये से आती है यार, वैसे नीचे माशाल्लाह इतनी प्यारी रान बनाता है बंदू खान वाला, किसको बेचनी उसने? और देखे एक बंदा डाइटिंग पे बेचारा है, वो फर्क क्यों नहीं पा रहा भाई तेनू? ओके भाई बहुत पड़ा हुआ है यार, पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने पहले देखा हुआ उनको पता है भाई, डील के बाद रान खिलाएंगे, डील के बाद पक्की बात है। चले जी पक्का हो गया जी, चेक जी बैरियर मीटिंग से फारिग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, काफी प्रोडक्टिव मीटिंग थी, तो अब निकल रहे हैं घर के लिए, घर जाएंगे जनाब, ठीक है? यहाँ से भी जाते जाते भी घंटा लग जाएगा, तो घर जाएंगे इंशाल्लाह और फिर आपसे मुलाकात होती है जी। इस वक्त बैरियर से भी वापस आया हूँ ऑफिस, ऑफिस से गाड़ी ली है छोटे भाई ने और कज़न ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया है, अभी यहाँ से गाड़ी लेके अभी सीधा जा रहे हैं जनाब घर, घर जाके बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करेंगे। वैसे तो 11:15 हो गए हैं, छोटे दो जाग रहे होंगे, बड़े दोनों तो सो गए होंगे क्योंकि उसको स्कूल जाना है उन्होंने, और उसके बाद इंशाल्लाह खाना वाना खाने के बाद जाएंगे जनाब वॉक पे,